देखिए दोस्तों, लगभग पहला एपिसोड से 4.5 किलो का पीस पहला स्ट्राइक है दोस्तों आज का। उसी तरह से देख सकते हो दूसरा स्ट्राइक है दोस्तों, 6 किलो के ऊपर का देख सकते हो। साइज देख सकते हो दोस्तों आप लोग, क्या बेहतरीन हुकअप हुआ है। देख सकते हो क्या बेहतरीन पीस है दोस्तों। फुल वीडियो देखिए दोस्तों, स्किप ना मत करिए। चलिए बने देखिए दोस्तों, इसी स्पॉट पे देख सकते हो आप, दोबारा से आज फिर फिशिंग करते हैं दोस्तों। आज इस टब में चर्बी हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग, ये टब में चर्बी करते हैं दोस्तों। तकरीबन आधे से एक घंटे के बाद शिकार करके देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ मच्छी जमा होती क्या, लगती क्या है। एरिया देख सकते हो आप लोग, क्या बेहतरीन एरिया है रोहू के लिए। मच्छी वो खुले पानी में नहीं जा रही दोस्तों, क्यों बोले तो उधर जाले डाल रहे हैं, डर के जो है सो ये खांसा में कर रही दोस्तों बड़े साइजेस, इसलिए टारगेट हमारा जो है सो ये एरिया में दोस्तों। चलिए देखते रहिए। देखिए दोस्तों, सिंगल पर बैठ के तौर पर देख सकते हैं, इसमें तकरीबन 3-4 आटे मिक्स है दोस्तों। एक गिरने के नीचे का है दोस्तों, बाकी का एक मैदा है दोस्तों, एक गेहूँ का आटा है और जो है सो बलबड़ी का आटा है दोस्तों। थोड़ा 4-5 आटे मिक्स है दोस्तों, आज इस पर ट्राई करके देखते हैं बैट पे। रॉड देख सकते हो, बम्बू की रॉड मेरे को दोस्तों, मच्छी लगने पर झुक जा रही, मुड़ जा रही, तुड़ जा रही दोस्तों, इसलिए ये रेनबो पे दोबारा से फिर देख सकते हो। फैंता स्नैपर 8 फिट की N0H 2 पीस में, 9 फिट की मीडियम हैवी एक्शन रॉड है दोस्तों। ये स्पिनिंग इस पर ही खेलते हैं दोस्तों, फ्लोट लगाकर सिंगल ऊपर। देखिए दोस्तों, सिंगल पर 5 नंबर की होगी दोस्तों, मस्टर्ड की 100 रुपये बैट लगा दी दोस्तों। वेट का फ्लोर एज इट इज़ हम जिस तरह बताए थे। चलिए टॉप में डालते हैं दोस्तों। ये सिंगलों के फिशिंग के लिए दोस्तों, स्टिक जितनी लंबी है दोस्तों उसमें थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए दोस्तों, तागा लाइन और ब्रेडेड लाइन अच्छा हीवी वाला यूज़ करना चाहिए दोस्तों, ताकि बिग स्ट्राइक मारने पर भी ना ब्रेक हुए। चलिए फाइनली अपन टॉप में डाल दिए दोस्तों, चरवे के बाद लगभग आधे घंटे के बाद। चलिए वेट करते हैं, फ्लोट का एक्शन देखते रहना चाहिए दोस्तों, हर टाइम रेडी रहना चाहिए दोस्तों, ताकि मछली कब खाती नहीं मालूम दोस्तों, इसलिए कभी भी देखते रहना चाहिए दोस्तों फ्लोट को, और रेडी रहना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, फ्लोट को खा रही है दोस्तों। पहले छोटी मच्छी जो है सो बिंड को हिलाती है दोस्तों फ्लोट को, तभी अपन समझ जाना चाहिए। देख सकते हो इस तरह से ये एक्शन रहे, जब रोहू मछली का रहने के चांसेस रहते दोस्तों। सिंगल फिशिंग के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है दोस्तों। चलिए कुछ भी हो, शिकार तो जारी है, देखते रहिए। अपन दो रॉड से खेल रहे हैं दोस्तों, एक रेनबो की है दोस्तों रॉड, और एक जो है सो फैंटम स्नैपर है दोस्तों, 9 फिट की है दोस्तों, दो भी ऑलमोस्ट। देख सकते हो फ्लोट को कैसा, हुक को खाने पर फ्लोट का एक्शन ऐसा रहता है दोस्तों, तभी अपने को हाथ उठाने का रहता। चलिए छोटी मछलियां तो ऐसा सताते रहते दोस्तों, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फाइनली एक बिग मॉन्स्टर हुकअप हो चुका है, देख सकते हो आप लोग लगभग क्या वेट दे रहा है दोस्तों। छड़ी का एक्शन देख सकते हो आप लोग, बड़ी मच्छी लगने पर उसको अपन अच्छा सा हैंडल करना चाहिए दोस्तों, क्यों बोले तो ज़्यादा अपन छड़ी को फिक्स रखने पर मच्छी लेके भाग टाइट करने पर हुक निकल जाती है दोस्तों मच्छी की मुँह में से। देख सकते हो मच्छी खींचे पर उसको थोड़ा बहुत ढील दे ले हुए थे, ऐसा मैनेज करना चाहिए दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, मच्छी निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों। चलिए फाइनली थोड़ा थकाते हुए मच्छी को, ये रॉड भी जो है सो वो रॉड में पूरा गिर चुकी हो गई दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, फिर भी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, चिक निकाल लेते बैठे तो मच्छी चले आती दोस्तों। चलो फाइनली थोड़े 1-2 मिनट के स्ट्रगल के बाद देख सकते हो फाइनली मच्छी घास के ऊपर आ गई दोस्तों। ऐसा जहाँ पर भी घास रहता है दोस्तों, मच्छी को ऊपर लड़ना चाहिए दोस्तों, ऊपर लड़ने पर ईजीली आ जाती है। चलिए फाइनली आ चुकी दोस्तों, लगभग 4 से 5 सिंगल पर तकरीबन 3 बजे का टाइम है दोस्तों। देख सकते हो क्या बेहतरीन हुकअप भी है, तकरीबन 5 किलो का पीस है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे और कितने स्ट्राइक्स होते हैं, देख सकते हो आप लोग क्लोजली क्या बेहतरीन पीस है। चलिए देखते हैं और आगे। चलिए दोस्तों, सेम उसी टॉप पर दोबारा सर फिर बैट लगाकर सेम जगह पर गल को बिठा देते हैं दोस्तों,
चलिए फाइनली देख सकते हो, थोड़े इंतज़ार के बाद लगभग एक बड़ा भी सभी लगाया दोस्तों, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों, एक आधा घंटा, क्यों तो मच्छी फिर से वहाँ पर दोबारा से आ सके, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों एक पीस मिलने पर। चलिए देख सकते हो दोस्तों फ्लोट का एक्शन, अभी अभी स्ट्राइक दिया है दोस्तों हमने, देख सकते हो क्या बेहतरीन पीस है दोस्तों, लगता है उससे भी बड़ा है दोस्तों, लगभग 7 से 8 किलो का पीस लगता है, देख सकते हो कितना स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों निकल जाने के लिए, देख सकते हो आप लोग क्लोजली नज़दीक से भी। फाइनली इसको भी हम घास के ऊपर चढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्यों बोले तो उसको दम तोड़ जाए। चलिए फाइनली हमारे हैंड्स में आ गया दोस्तों, ये सेम टाइप में दूसरा पीस है दोस्तों, लगभग जिस तरह कहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंगल पर आपका दूसरा पीस है, तकरीबन 6 से 7 8 किलो का पीस है, 7 किलो का पीस है, देख सकते हो क्या सही है आप लोग। देखिए दोस्तों दूसरा स्ट्राइक सिंगल पर सेम टॉप में दोस्तों, सेम प्लेस पर देख सकते हो, बेहतरीन पीस, लाइवली क्या जबरदस्त हुक हुई है हुक। चलिए देखते हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करिए दोस्तों, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्या जबरदस्त हुकअप हुई है मस्टर्ड की हुक। चलिए दोस्तों फाइनली दो स्ट्राइक्स हो चुके हैं दोस्तों, दोस्तों एक मच्छी पकड़ने के लिए तकरीबन 1 से 3 दिन का 2 दिन टाइम देना पड़ता है दोस्तों, फिशिंग के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। आप लोगों का काम इतना है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों वीडियो को। चलिए दोस्तों देखते हैं और आगे कितने स्ट्राइक्स होते हैं।